आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने चल रहा है और संभवतः आज की ही तारीख में कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विज्ञापन जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आज की डेट में जो है वो ईमेल प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है ना, ताकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी सहित तमाम विज्ञापनों को जारी किया जा सके और शासन से अनुमति मिलने के उपरांत ही ये विज्ञापन जारी होंगे। अगर शासन को टीईटी के बाद, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शासन टीईटी के बाद अगर एलटी जीआईसी जारी करना चाहेगी तो भी ये चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि आज लोक सेवा आयोग की मीटिंग में इस बात को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि यदि हमें आयु सीमा वृद्धि के लिए अनुशंसा मिलती है, हमने भाई इस चीज के लिए भी पूछ लिया है कि अगर हमें आयु सीमा बढ़ानी है तो किस रेशियो में कितने ग्रोथ में बढ़ाना है हमें, ठीक है, 4 वर्ष देना है, 3 वर्ष देना है, 5 वर्ष देना है, कितना देना है, ये चीजें भी क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जो अर्हता का पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, अर्हता का लेटर प्राप्त होने के उपरांत अब इन सारी चीजों को कि मतलब जो हम एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करेंगे सेम टू सेम वही कंडीशन आपकी टीजीटी में भी रहने वाली है, तो शासन इसके लिए अनुमति दे ताकि आप इससे भर्ती परीक्षा को स्टार्ट कर सके। तो आज की तारीख में ये चीजें भेज दी गई हैं और संभवतः आप सभी लोगों में बता दो, क्योंकि टीजीटी भी आपकी कंबाइंड हो गई है एलटी के साथ में, ठीक है ना, मतलब दोनों की नियमावली एक ही हो गई है। तो आज ही जब कैबिनेट की का विस्तार होगा, 4 से 5 मंत्री बनाए जाने हैं, सूचनाएं चल रही हैं समाचार चैनलों पर भी, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं हालांकि मुझे लगता है 3 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है ना, और कैबिनेट विस्तार होने के उपरांत ही शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी। और ये कैबिनेट मीटिंग कई मायनों में विद्यार्थियों के लिए बेहद आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनना है, उसमें भी सहमति मिलनी है, और जो लिस्ट गई है मुख्यमंत्री महोदय के पास अध्यक्ष की, सदस्य की, अधिकारियों की, सचिव की, परीक्षा नियंत्रक आदि की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग के भी परीक्षा नियंत्रक हटाए जा चुके हैं और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदय रेणुका मिश्रा जी भी हटाई जा चुकी है, ठीक है ना। इतना बड़ा भाई 78-76 करोड़ रुपए डूब गया गवर्नमेंट का, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी ही, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन तुरंत ही नए महानिदेशक महोदय की नियुक्ति भी कर दी गई है, ठीक है, और अभी तक लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा नियंत्रक का इंतजार है। लेकिन आज भी सूचना प्राप्त हुई है कि आज और कल तारीख में, मतलब 2 दिन के भीतर ये चीजें फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं लोक सेवा आयोग में, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि परीक्षा नियंत्रक जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी नियुक्त किए जाने हैं, तो सभी की क्लियरेंस एक साथ ही प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री महोदय। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम को क्या गुड न्यूज निकल करके आती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी आयु वर्ग को लेकर के भी चिंतित है, ठीक है, और सरकार की तरफ से जो हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया उसमें भी उन्होंने मंशा जाहिर की कि भाई सरकार का ये नीतिगत मामला है, हम विद्यार्थियों को 5 वर्ष देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे, ठीक है ना, तो ये मामला वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन दे देंगे और देने में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को मैं बता दूं, आज एलटी और जीएससी के लिए खुशखबरी यही है कि शासन को अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए, दिशा निर्देश जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्र आदि प्रेषित कर दिया गया है। और जो आप सभी लोगों की जो संभावित परीक्षा तिथियां हैं, लोक सेवा आयोग ने जिसका जिक्र अपने पत्रावली में किया है, मतलब पत्र में किया है जो शासन को उन्होंने प्रेषित किया है, कि हम 20 मई के बाद इसका पेपर कराना चाहते हैं, किसका, एलटी ग्रेड का, ठीक है ना। तो अब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, शासन क्या अनुमति देता है, क्या मंशा है उनकी, वो टीईटी के बाद देना चाहते हैं कि टीईटी के पहले एलटी जीएससी देना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी चीजें तो क्लियर है कि टीईटी की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगी, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ये विज्ञापन आप सभी लोगों का चला जाएगा अगस्त सितंबर तक। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी आज हमारे भ्राता श्री मिलने गए हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारे पास जो शिक्षकों की कमी है राजकीय स्तर पे, ठीक है ना, उनको पूरा करने के लिए लोक सेवा को तुरंत विज्ञापन जारी करना चाहिए, ये उनका वक्तव्य है, मतलब ये उनका मानना है। अब लेकिन नियुक्ति और कार्मिक तो उन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो जो भी अनुमति देनी होगी वही देंगे, मंत्री तो ऐसे ही होते हैं, मंत्री तो ऐसे बना दिए गए हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी किसके पास है, योगी जी महाराज जी के पास है। जब तक उधर से यस होगा नहीं तब तक विज्ञापन आएगा नहीं, ठीक है ना, चीजें एकदम फाइनल है।
तो आज हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग में जाकर के मुलाकात की है आदरणीय परीक्षा अनुभाग सॉरी आपके जन सूचना अधिकारी महोदय से, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो आज बैठक हुई थी उसमें 3 प्रस्ताव जो है वो शासन को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें परीक्षा नियंत्रक की तत्काल नियुक्ति, दूसरा आप सभी लोगों में बता दूं एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन और आयु वर्ग को लेकर के 3 विस्तृत प्रस्ताव जो है वो शासन को प्रेषित किए गए हैं कि इनमें यथा दिशा निर्देश जारी करें ताकि विज्ञापन आदि को जारी किया जा सके। और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों का इसी मार्च में चुनावी आचार संहिता लगने और न लगने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि आज परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कह दिया कि हमारे एग्जाम शेड्यूल में इसका उल्लेख है तो हम विज्ञापन जारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना, और हमें किसी प्रकार से कोई भी जो है प्रभावित नहीं करेगा, तो ये विज्ञापन हम लोगों को जारी करना है, शासन हमें दिशा निर्देश जारी कर दे हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। और अर्हता के पत्र के संबंध में जब इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने पूछा कि अर्हता का पत्र जो है वो प्राप्त हुआ कि नहीं, तो उन्होंने यस किया, हाँ अर्हता का पत्र प्राप्त हुआ है। अर्हता का पत्र का मतलब यह है कि जो टीजीटी की अपडेटेड नियमावली की जिसकी बात आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, वो अपडेटेड नियमावली जो है वो संबंधित संस्थाओं को प्राप्त हो चुकी है। तो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है, आज कैबिनेट की मीटिंग हो जाए फिर सारा कुछ फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी सुबुगाहट तेज हो गई है, बड़े फेरबदल की तैयारी है और नए मंत्रियों को लाएंगे तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास भी हम लोगों के मुद्दे शेष हैं। हम लोगों ने जयंत चौधरी जी को और कई गणमान्य नेताओं को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग LTGIC आदि का मसला भी उनके सामने उठाया था। राजभर साहब को भी हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था तो उनसे इस बात के लिए जो है चर्चा की थी कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबंध में चर्चा जरूर करिएगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, इस बात को आश्वस्त किया था कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले हम अधिसूचना जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूर्ण गठन करवा देंगे। तो आज कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो शाम तक होगी, जो भी गुड न्यूज निकल करके आएगी सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। आज हम लोग लोक सेवा आयोग में ही थे और सबसे बड़ी चीज ये है कि मीटिंग खत्म होने के बाद तत्काल हम लोगों ने पर्यंत जो आपके जन सूचना अधिकारी महोदय उनसे मुलाकात किया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा नियंत्रक के लिए हम लोगों ने शासन को पत्र लिख दिया है और आयु वर्ग को लेकर के भी कि हमें विज्ञापन जारी करने किसने क्राइटेरिया रखना है, गवर्नमेंट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, क्योंकि एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें कोई संशोधन हम करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए, और वही विज्ञापन आपका टीजीटी में भी जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो नियमावली एक प्रारूप एक सारी चीजें जब एक है तो शासन का क्लियरेंस उसका दिशा निर्देश NOC प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है। अनुमति मिल जाए विज्ञापन आप सभी लोगों का, आज अनुमति मिल जाए शाम तक विज्ञापन आ जाएगा, इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब नजरें हम सभी लोगों की जो टिक गई हैं जाकर के आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, ठीक है ना, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से होने वाली मुलाकात पे भी हम लोगों की नजरें टिकी हुई है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, चैनल को जितना अधिक आप प्रमोट करोगे जितना अधिक लोगों को जोड़ोगे उतना ही बेहतरीन उत्साह जो टीम के सदस्यों के माध्यम से भी आप लोगों के लिए जो इफेक्टिव कार्य होते हैं उस पर प्रभाव उसका पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप सभी भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके याचिका प्राप्त करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, तो अंतिम समय आ चुका है, आप लोग चाहें तो जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। याद रखें 97-41-85 इस पे आप हमारी याचिका में भी जुड़ सकते हैं संपर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पे, साथ ही साथ आप हमारे नोट्स आदि भी बुक कर सकते हैं। काफी सारे महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं और उठा पटक तो भाई चलतेगा ही, पेपर लीक हुआ है, मुद्दा बना रहा है विपक्ष, चुनावी मौसम है, तो इन तमाम चीजों में कुछ न कुछ अधिकारी तो जो है मतलब नपे के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थियों की जो मांग है बहुप्रतीक्षित मांगे हैं वो बहुत जल्दी है पूरी होने चल रही है। मैं आप सभी लोगों को पहले भी बोल चुका था कि नियमावली आ जाएगी, नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई थी और मैं आप सभी लोगों से ये भी कह रहा हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का शासन आदेश बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा, हो सकता है आज शाम तक ही आ जाए, हो सकता है कल की डेट में आ जाए, लेकिन आएगा बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि सचिवालय से भी पॉजिटिव इंटेंट हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और जो जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सारी चीजें आप लोगों की बेहतरीन ढंग से की जा रही है और आप लोगों की शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। दे वेट एंड वॉच, हम सभी लोग पूरी तरीके से प्रयास करते हैं और आप लोगों के उद्धार के लिए, आप सभी लोगों की मानसिक स्थितियों को सुधार के लिए हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए अपने कार्यों में, बस आप लोग अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।